हेलो दोस्तों, मेरा चैनल साहिर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले एक ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने आ पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुई किसी भी मेंढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक दो तीन बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव असंभव असंभव। और वो उत्साहिक मेंढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंत में वो खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया, भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली, जरा हमें भी बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा मेंढक है। दोस्तों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है,